बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान, इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और हमारा टॉपिक है आज 2.5 और हमारे टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होती है। तो पहले इक्विलिब्रियम के बारे में समझ लें। अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब जैसे कि अगर आप देखें दिस वन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइम, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। अब सेकेंड फोर्स, फोर्स क्या चीज है, फोर्स करती क्या है? फोर्स क्या होती है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या फिर वो मूव करवाने की कोशिश करती है, नंबर वन। नंबर टू, या ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है या एटलीस्ट रोकने की कोशिश करती है। नंबर थ्री, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो अगर इसको डिफाइन करें कैसे, अ फोर्स कैन मूव और ट्राई टू मूव, स्टॉप और टेंस टू स्टॉप, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, तो ये फोर्स होती है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम की कितनी जो है वो टाइप्स है। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम। नंबर वन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में है। द बॉडी इन द रेस्ट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। हम क्या कहेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी में मूव करे लाइक दिस, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता रहे, जैसे कि फैन बिल्कुल एक ही वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो, इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी अगर स्टेट है तो यूनिफॉर्म स्टेट भी और यूनिफॉर्म रोटेशनल भी, तो दोनों कंडीशन जो है वो एट अ टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी, और मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब व्हेन अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। इन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। अगर स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। किसमें,
डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इस केस में भी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अंडरस्टूड बात है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो देयर आर द टू मेन कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, नंबर वन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर टू सेकेंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बॉक्स है जिसमें अगर आप दोनों साइड पे हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करें, दिस वन ये है एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स, जब इनको ऐड करेंगे एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकली फोर्स अप्लाई हो लाइक दिस एफ वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एफ वाई, तो क्या बन जाएगा, अगर इन दोनों का समीशन, इसका मतलब क्या होता है समीशन, और इसको सिग्मा भी कहते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस इज जीरो। सो एफ वाई प्लस माइनस एफ वाई, तो प्लस माइनस माइनस, सो एफ वाई माइनस एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि इसमें एफ एक्स भी और एफ वाई कंपोनेंट दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसको सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा और सिग्मा एफ वाई भी जीरो होगा। ये तो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो जीरो होता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सीसॉ, जो सीसॉ होता है अगर दोनों साइड पे इक्वल वेट है रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये क्लॉकवाइज, तो इसको क्या होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो बिल्कुल फोर्सेस सेम है तो इसका मतलब यह बॉडी के अंदर कोई रोटेशन नहीं होगी, कोई रोटेशन ना होने का मतलब यह है कि बॉडी के अंदर टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो ये होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब सेटिस्फाई होती है, जब किसी भी बॉडी में रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो जीरो हो। इट मींस दैट द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इट इज कॉल्ड द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, नंबर वन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और नंबर थ्री न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो केस नंबर वन डिस्कस करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ से जरा गौर से देखें, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली टिल करूँ और जैसे इसको छोड़ देता हूँ तो इट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, इट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली टिल फ्रॉम द प्रीवियस पोजिशन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा फिर गौर से सुने, अगर मैं इसको स्लाइटली टिल करता हूँ जैसे इसको रिलीज करता हूँ ये अपनी प्रीवियस पोजिशन में वापस आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ से देखें, अगर इसके ऊपर ये पेंसिल रखते हैं और इसको थोड़ा सा स्लाइटली टिल करें तो इट विल नॉट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, तो ये अपनी प्रीवियस पोजिशन में दोबारा से वापस नहीं आ सकता, इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
यहाँ से इसको थोड़ा सा भी अगर टिल्ट करेंगे तो ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल करें और टिल करने के बाद वो रहे उसी हालत में लेकिन उसकी एक नई पोजिशन आ जाए लाइक दिस, when a body is slightly tilt, it's come back to its in a new position. तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब जो है एक छोटा सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल करें और वह ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी एक नई पोजीशन जो है वो अख्तियार कर लेता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। हमने जितने भी केसेस डिस्कस किया है उसमें टू फोर्सेस का जिक्र किया है या मोर देन टू फोर्सेस का जो है हमने जिक्र किया है। तो क्वेश्चन ये है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली सिंगल फोर्स अगर अप्लाई हो क्या तब भी वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा? यस, उस केस में भी वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये सीसो की एग्जांपल हम देख लेते हैं कि दिस वन अगर एग्जैक्टली यहां पे इस पोजीशन के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई रोटेशन नहीं होगी। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में ही है। थैंक यू।